हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और रेसिपी लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बनाएंगे चुकंदर और खीरे के पराठे। जी हाँ, अगर आपके बच्चों को चुकंदर और खीरा बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो उन्हें ये खिलाने का एक बेहद ही अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर ये कलरफुल पराठे बच्चे देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में इसे खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 कटोरी आटा। मैं गेहूं का आटा ले रही हूं और उसके साथ ही लेंगे 1/2 कटोरी बेसन। पराठों के लिए मैं ले रही हूं 1 खीरा और 1 चुकंदर। आप क्वांटिटी अपने जितना आपने आटा लिया है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम खीरे को छील कर उसमें से बीज निकाल लेंगे, ताकि पराठे बनाते समय बीज बीच में ना आए, इसलिए हम सारे खीरे में से बीज निकाल लेंगे और फिर जो चुकंदर है और खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। तो अब हमारे खीरे और चुकंदर कद्दूकस हो चुके हैं और अब इसे आटे में मिक्स करेंगे। मैं खीरे और चुकंदर के जूस को अलग नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसी के साथ में आटा लगाऊंगी। इसके साथ इसमें डालेंगे हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हींग, अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मसल कर डालिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से आपके सारे मसालों के साथ मिक्स हो, आटे में मिक्स हो। थोड़ा सा सौंफ डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। फिर थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और आप इन सब को आटे में मिक्स करके पहले बिना पानी के ही आटा लगाएंगे और फिर जितनी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के आटा लगा लेंगे। इस आटे को रेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत आटा लगा के जो पराठे हैं वो सेक सकते हैं। तो ये आटा भी लगकर तैयार है, थोड़ा सा तेल लगाकर इस आटे को रखेंगे। और अब बनाते हैं पराठे। मैं चौकोर पराठे बना रही हूँ, इसलिए बीच में थोड़ा तेल लगाकर इसे दोनों साइड से फोल्ड करके फिर तेल लगाकर इसे चौकोर बेल लूंगी। मैं पराठों को घी से सेक रही हूँ, आप घी या तेल, बटर, जिससे भी सेकना चाहें आप सेक सकते हैं। तो अब हमारे चुकंदर और खीरे के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे दही, बटर, अचार या फिर रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही काफी टेस्टी भी हैं। तो आपके टेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस लेकर आने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर अगर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को आप करें एंजॉय और जरूर करें रेसिपी को ट्राई। थैंक यू सो मच।